कि आपको चाहिए क्या कोई सेक्रेटरी, आप बताओ। ये विचार करने योग्य बात है। करो फिर विचार और हमारी खलासी छोड़ो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफी पैसा जो है जहां पर रखा है। और जुगल साहब क्या हाल चाल, काम काज कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे जुगल साहब एक बात बताओ, ये अपने शुरुआती दिनों में क्या काम करते थे आप? रेड़ियां बांटने का काम करते थे। तो फिर वो काम बंद क्यों किया? मुड़ मुड़ के अपनों को ही बांटा करते थे। मन माए अपनों को बांटते नहीं है, बेचते हैं, तभी जाके कोई धंधा होता। लेकिन अब वो रेवड़ियों बांटने का काम जो है वो समाप्त हो चुका है। खैर छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया आप, काम क्या बताओ? तो एक बिल था। अच्छा बिल, किराया? कोई चक्कर नहीं यार, कारखाना चल तो रहा, आपकी जमीन पर दे देंगे किराया भी। किराए की जमीन पर कब तक कोई कारखाना चलाएगा? चला लूंगा यार, पहले ये बताओ जो मैंने अटैच्ड बाथरूम बोला था आपको लगाने के लिए, वो तैयार हुआ? नहीं तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? क्यों नहीं है भाई? नहीं हो पाया। अरे क्यों नहीं हो पाया, पैसे दिए थे मैंने आपको। कुछ नहीं दिया। अच्छा वो सेक्रेटरी को दिए थे मैंने, वो दिन आप भूल गए होगी। सेक्रेटरी कहाँ से आई? कहाँ से क्या मतलब, मैंने अपॉइंट किया उसको। ये किसने लाई? यार मैंने लाई, मेरी कंपनी मेरी सेक्रेटरी, आपको क्यों चुलमच रही है? ये किसके कहने पर लाई गई? हे भगवान, ये क्यों लाई गई? गलती होगी प्रभु, आगे से नहीं लाएंगे। कि आपको चाहिए क्या कोई सेक्रेटरी, आप बताओ। ये विचार करने योग्य बात है। करो फिर विचार और हमारी खलासी छोड़ो। वकालत करते हो? नहीं करते तो नहीं है, लेकिन आपके लिए वो भी कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके पुराने किराएदार उनका क्या बना? बड़ा सुना मैंने उनके बारे में, वापस क्यों गए वो? उसे वापस जाना पड़ा। क्यों, आपने निकाला? टिकने नहीं दिया। आपने टिकने नहीं दिया, क्यों? एक तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब पैसे ना देने से क्या हो जाता है, क्या रिश्ता ही खत्म हो जाता है? वाह सही है, वैसे पुराने किराएदार ठीक तो है ना, है कहाँ वो? दर बदर हो गए, आज तक बिखरे पड़े हैं। वैसे मकान मालिकों को ना हर महीने किराया देना पड़ता, क्यों मुझे समझ नहीं आती। लगाम लगाने के लिए? हाँ जुबान पर लगाम लगाने के लिए। तो एक काम करता हूँ मैं भी ना, आपकी जुबान पर मेरा मतलब किराया लेकर आता हूँ और आपको देता हूँ, ठीक है? आप जरूर रुको, मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफी पैसा जो है जहाँ पर रखा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बकलोल टीवी। हैप्पी बर्थडे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, आपके जन्मदिवस पर द बकलोल टीवी की टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपको हंसाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद जरूर आया होगा। और दर्शकों को ये तोहफा किस तरह का लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।